तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले बिग बॉस के कुछ कंटेस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मुनव्वर फारूकी एंड खान जादी के बारे में। इन लोगों के बीच में आज सुबह में एक फाइट हो गई थी और वो फाइट इस वजह से हुई थी कि खान जादी ने डांस करके मुनव्वर फारूकी को चिढ़ा रहे थे। आप इस क्लिप में देख सकते हो। मैं आपसे बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, ये आंखें दिखा के ये करके मेरे से बात नहीं करना, बहुत बेहतर होगा क्योंकि मैं बहुत प्यार से बात करके समझा रहा हूँ। मत कर उसकी सर, कंट्रोल कर ले, हट जा। क्यों बुरा लग रहा है भाई? जो तरीके से तुम ये करे ना मेरे सामने, मैंने डांस नहीं कर सकती। मैं डांस कर सकती हो लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। अरे इससे बात करने की सेंस नहीं है मेरे को। तू जो कॉन्टेक्स्ट में तू लेके जा रही है मेरे को दिख रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एल्विस यादव के बारे में। तो क्या एल्विस यादव बिग बॉस 17 में वेट काट जाने वाले हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एल्विस यादव के कुछ फैंस कह रहे हैं। इस डॉट को क्लियर करने के लिए एल्विस यादव ने अपने लेटेस्ट वाले ब्लॉग में कुछ ये बोला। एक क्वेश्चन आ रहा है एल्विस भाई, आप वाइल्ड कार्ड जा रहे होगा? आप वाइल्ड कार्ड जा रहे होगा? नहीं यार, अभी तो देखो ऑनेस्टली नहीं। सब कह रहे भाई आओ आओ वाइल्ड कार्ड आओ, ऐसे नहीं होता भाई। कुछ होगा तो डेफिनेटली विल लेट यू नो गाइस, बट अभी तो नो सीन्स, नो प्लान्स, नो वाइल्ड कार्ड एंट्री इस वाले सीजन के लिए। तो एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं द यूकेजरोसेवन राइडर के बारे में। तो द यूकेजरोसेवन राइडर अपना चैनल 2017 में क्रिएट किए थे। तो इसी बात को लेते हुए द यूकेजरोसेवन राइडर के पापा ने अपने लेटेस्ट वाले ब्लॉग में कुछ ये बोला। अभी लाइव देख रहा हूँ, कभी ये सोचा नहीं था कि जिस बाइक से वो हमारे पहाड़ों के रास्तों पर चलता रहता था, कठिन रास्ते होते थे, बड़े डेंजरस और चैलेंजिंग रास्ते होते थे, और आज उन्हीं रास्तों को पार करते हुए सलमान खान सर के बिग बॉस 17 के शो में खड़ा है। तो मुझे तो पूरा विश्वास। और एक और से बताऊं, 2017 में यूट्यूब का कैरियर शुरू किया था और 17th में सीजन में भी वो यहाँ पर खड़ा है। तो मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वो आगे तक जाएगा। अभी अभी जब हम लोग अभी देख रहे हैं, तो जब अनुराग का वाला आगे चल रहा था सलमान खान के साथ, तो उस समय जो रीच पहुंच गई थी वो अराउंड 30 लाख के आसपास। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।